डेयर स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेड अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू द इकनॉमिक टीवी मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहसिन रजा लेक्चरर इकोनॉमिक्स आज लैक्चरशिप की तैयारी के हवाले से एक और अहम तरीन वीडियो के साथ लेक्चरशिप इकनॉमिक्स के कैंडिडेट्स के लिए ये बात खुशाइंद है कि चौदह और पंद्रह नवंबर को होने वाले पी पी एस सी के पेपर्स मुलतवी होने की वजह से इकनॉमिक्स का टेस्ट मुमकिन तौर पर मजीद एक हफ़्ता डिले होकर अट्ठाईस उनतीस नवंबर या ये भी मुमकिन है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में मनकद हो लिहाजा तमाम उम्मीदवारान इस इजाफी वक्त का फ़ायदा उठाते हुए टेस्ट की भरपूर तैयारी करें मैं कुछ नागजिर मसरूफियात के सबब गुजशत दिनों में लैक्चर्स अपलोड नहीं कर सका था तो अब एहतुलविसा कोशिश करूँगा कि बाकी दिनों में अहम

फ की तरफ से चीज़ की तलब के लिए दो बातों का होना जरूरी है एक उस चीज़ को हासिल करने की ताकत और दूसरा उस चीज़ को हासिल करने की रजामंदी डिमांड हैज़ रेफरेंस टू एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ आ गिवन प्राइस एंड पीरियड ऑफ टाइम चीज़ की तलब का ताल्लुक उसकी कीमत और अरसे वक्त से होता है एन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स डिमांड इज नॉट डिटर्मन बाय एंड द करेक्ट ऑप्शन साइज़ ऑफ कंट्रीज़ पापुलेशन यानी एक अनफरादी सार्फ की तलब मुल्क की आबादी के साइज से मुतन नहीं होती इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट्स एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ द मार्केट डिमांड फॉर कमोडिटीज़ यानी दौलत की या आमदनी की मजमू तकसीम अशिया की तलब पर असरानंदाज होती है

नॉर्मली वन प्राइस पर यूनिट फॉल्स एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ क्वान्टी डिमांड इनक्रीजेज क्योंकि पर यूनिट प्राइस गिरने की सूरत में उसकी तलब में इजाफा हो जाता है और डिमांड करव इज़ नॉट रिलेटेड टू एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ द प्राइस ऑफ सब्स्यूट्स क्योंकि ख़त तलब का ताल्लुक सब्स्यूट्स की प्राइसेज से नहीं होता बल्कि डायरेक्ट उसी चीज़ की कीमत से ताल्लुक़ होता है जिसकी तलब में तब्दीली मापना मकसूद हो सेट्रस पेरिबस क्लॉज एन द लॉ ऑफ डिमांड डजेंट मीन एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डजेंट चेंज यानी जिन अवामिल को लॉ ऑफ डिमांड में कॉन्स्टेंट फ़र्ज किया जाता है उनमें उस चीज़ की कीमत शामिल नहीं है वन देर इज डिक्रीज इन डिमांड द डिमांड कर्व एंड द करेक्ट ऑप्शन इज मूव टूवर्ड द एक्सेज यानी जब डिमांड में कमी आती है तो डिमांड कर्व पहले करव के नीचे चला जाता है और उसकी ये हरकत इसके महवर की तरफ होती है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड अक्र्ज वेन एंड द करेक्ट ऑप्शन इज प्राइस इंक्रीजेज एंड डिमांड डिक्रीजेज यानी जब किसी चीज की अपनी कीमत में इजाफे से उसकी तलब कम हो जाए तो इस रुझान को कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड या डिमांड का सकड़ाओ कहते हैं वेन द लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स द डिमांड कर्व एंड द करेक्ट ऑप्शन इज स्लोप्स डाउनवर्ड यानी लॉ ऑफ डिमांड की सूरत में डिमांड कर्व का स्लोप नीचे की तरफ मूव करता है To calculate the elasticity of demand, which of the following formula is used and the correct option is proportionate change in demand over proportionate change in price. Elasticity of demand is equal to unity while marginal revenue is and the correct option is zero. यानी जब एम आर कर्व ओ एक्स एक्स को क्रॉस करता है तो उस सतह पे मार्जिनल रेवेन्यू जीरो के बराबर होता है और मार्जिनल रेवेन्यू की इस सतह पे अगर हम ए आर करव पर डिमांड की इलास्टिसिटी मालूम करना चाहें तो यूनिटी के बराबर होती है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला डिटर्मन द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द करेक्ट ऑप्शन इज प्रोपोर्शन एट चेंज इन डिमांड ओवर प्रोपोर्शन एट चेंज इन इनकम द लॉ ऑफ डिमांड रेफर्स टू इन द करेक्ट

ऑप्शन इज शिफ्ट अवे फ्राम अ कोमोडिटी द प्राइसन एंड इन फेवर ऑफ अ कोमोडिटी द प्राइस ऑफ विच हैज़ फॉलन यानी सबसे इफेक्ट ये है कि साफ उस चीज़ की तलब में कमी कर दे जिसकी कीमत में इजाफा हुआ है और दूसरी चीज़ जिसकी कीमत में कमी आई है उसके तलब में इजाफा कर दे सबस्यूशन इफेक्ट मेक्स एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ अ कमोडिटी द प्राइस ऑफ विच हैज़ फॉलन रेलटिवली अट्रैक्टिव एंड द प्राइस ऑफ विच हैज़ रिमेन कॉन्स्टेंट रेलेटिवली अनअट्रैक्टिव यानी इफेक्ट सारेफ के लिए उस चीज़ को अट्रैक्टिव बना देता है जिसकी कीमत में कमी आई है और वो चीज़ सार्फ के लिए अन अट्रैक्टिव हो जाती है जिसकी कीमत में कोई कमी नहीं आई ऑफ द टू इफेक्ट्स एंड द करक्ट ऑप्शन इज दब्स्यूशन इफेक्ट इज मोर सर्टन यानी इनकम इफेक्ट और सब्स्यूशन इफेक्ट में सब्स्यूशन इफेक्ट ज्यादा यकीनी होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मीन एंड द करेक्ट ऑप्शन इज लेस क्वान्टी डिमांडेड एट ए हायर प्राइस एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मीनज एंड द करेक्ट ऑप्शन इज मोर क्वांटिटी डिमांडेड एट ए लोअर प्राइज एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड कर मीन एंड द करेक्ट ऑप्शन इज मूवमेंट्स अलोंग द सेम डिमांड कर एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड आर रिजल्ट ऑफ एंड द करेक्ट ऑप्शन इज चेंज इन प्राइज यानी चीज की अपनी कीमत में तब्दीली के नतीजे में जब उसकी तलब कम या ज़्यादा होती है तो इसे तलब का फैलाओ या सकड़ाओ कहा जाता है इनकम डिमांड कर शोज एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ इनकम कोटिटी रिलेशनशिप एन इनकम डिमांड करव ऑफ एन इन्फीरियर गुड इज़ एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग क्योंकि आमदनी बढ़ने से इन्फीरियर गुड का खर्च कम हो जाता है और आमदनी कम होने से इन्फीरियर गुड्स की तलब में इजाफ़ा हो जाता है विद एन इंक्रीज़ इन इनकम अ कंज्यूमर इज़ एक्सपेक्टेड टू बाय मोर ऑफ एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ आर नॉर्मल और सुपीरियर गुड्स क्योंकि आमदनी बढ़ने से नॉर्मल गुड्स की तलब में इजाफा हो जाता है क्रॉस डिमांड कर्व शोस एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ द अफेक्ट ऑफ अ चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स ऑन द डिमांड फॉर वाई यानी एक्स की कीमत में तब्दीली से वाई की तलब में कितनी तब्दीली आती है क्रॉस डिमांड कर्व इसी तब्दीली को मापता है इन द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स द क्रॉस डिमांड कर्व स्लोप्स एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डाउनवर्ड टू द राइट वो इसलिए कि जब चीज़ें एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्स हों तो एक चीज की कीमत में इजाफे से दूसरी की तलब मुतासर होती है और डिमांड कर ऊपर से नीचे बाएँ से दाएँ स्लोप करता है इन द केस ऑफ सब्सटीच्यूट द क्रॉस डिमांड कर्व स्लोप्स एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ अपवर्ड टू द राइट वो इसलिए है कि जब चीज़ें एक दूसरे का परफेक्ट सब्सिट्यूट हूँ तो एक चीज़ की कीमत में इजाफे से दूसरी की तलब में इजाफा हो जाता है और क्रॉस डिमांड कर पॉजिटिवली स्लोप करता है इन मईरिंग प्राइस इलास्िसटी एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ प्राइस इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड क्वान्टिट्टी इज़ ए डिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि इकनॉमिक्स के आलमोट सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जबकि क्वान्टी डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है विच ऑफ़ द फॉलोइंगज़ मोर इलास्टिक डिमांड एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ आ कमोडिटी विद सब्स्यूट्स एक चीज़ जिसकी सब्स्यूट्स अवेलेबल हूँ उसकी डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होती है डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज़ इलास्टिक वेन इट हैज़ एंड द करेक्ट ऑप्शन इज मैनी यूज एक चीज़ जिसकी कई यूजेज हूँ उसकी डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होती है

और डिमांड कर विच इज़ हॉर्जेंटल एंड पैरल टू द करेक्ट ऑप्शन इज़ इंफिनिटली इलास्टिक डिमांड यानी ऐसा ख़त जो एक्स एक्सेस के मतवाजी हो वो लामहदूद लचकदार तलब का इजहार करता है ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज़ विच हैज़ द लोस्ट प्राइस इलास्टिस डिमांड एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ साड मसलरियात ज़िंदगी जैसे नमक वगैरह की तलब कम लचकदार होती है

Option is unitary elastic demand. Arc elasticity is and the correct option is Q1 minus Q over Q1 plus Q divided by P1 minus P over P1 plus P. And remember this formula for arc elasticity was presented by Professor r g d Allen. Cross elasticity of demand is measured as and the correct option is percentage change in the quantity of commodity X. डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई यानी एक्स है कि मक़दार तलब में फ़ीसद तब्दीली बट अवाश है कि कीमत में फ़ीसद तब्दीली के तरीके से तलब की मतक़ात लचक की पेमाइश की जा सकती है प्राइस डिमांड इज़ बेस्ट डिफाइंड एज एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ द रिस्पॉन्सिमांड टू अज इन प्राइस यानी किसी चीज़ की कीमत में तब्दीली से उसकी तलब कैसे रिस्पॉन्स करती है इसी को प्राइस लास्टिसमांड कहा जाता है

Complete the following statement by choosing one of the alternatives given below Unitary elasticity of demand is and the correct option is elasticity equal to 1 Demand for a commodity is elastic when and the correct option is change in its price causes a proportionately greater change in its quantity demanded यानी जब किसी चीज की कीमत के मुकाबले में उसकी तलब में ज्यादा अनुपात से तब्दीली आए तो उस चीज की तलब ज्यादा इलास्टिक होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मईड इन द फॉलोइंग वे एंड द करेक्ट ऑप्शन इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिमांड इज इलास्टिक व्हेन एंड द करेक्ट ऑप्शन इज स्मॉल चेंज इन प्राइस काज इज अ प्रोपोर्शनेटली लार्ज चेंज इन क्वान्टिटी डिमांडेड यानी जब चीज की कीमत के मुकाबले में तलब में तब्दीली ज़्यादा आए तो ये रुझान इलास्टिक डिमांड की तरफ इशारा है द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवी करेक्ट ऑप्शन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड यानी इलास्टिसिटी डिमांड कीमत में तब्दीली से मिकदार तलब में होने वाली तब्दीली की वजाहत करती है टू गेट मोर रेवन्यू फाइनेंस मिनिस्टर मस्ट टैक्स इन द करक्ट ऑप्शन इज विद इन्ट डिमांड यानी ज्यादा रेवन्यू हासिल करने के लिए एक फिनेंस मिनिस्टर को उस चीज़ पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए जिसकी डिमांड इनलास्टिक हो अमनापलिस्ट चार्जिंग हाई प्राइस ऑपरेट्स ऑन द करेक्ट ऑप्शन इज़ द इनलास्टिक पार्ट ऑफ डिमांड कर्व यानी एक मनापलिस्ट डिमांड कर्व के इनलास्टिक पार्ट पर ज़्यादा कीमत वसूल करता है कंट्रीज एडवाइज टू डी वैल्यू इट्स करेंसी ओनली वेन इट्स एक्सपोर्ट्स फेस एंड द करेक्ट ऑप्शन इज इलास्टिक डिमांड इन फॉरन मार्किट्स यानी जब किसी मुल्क की एक्सपोर्ट्स को फॉरन मार्किट्स में इलास्टिक डिमांड का सामना हो तो उस मुल्क को अपनी करंसी की एक्सटर्नल वैल्यू में कमी कर देनी चाहिए ताकि उसकी एक्सपोर्ट्स सस्ती हों और उनकी तलब बढ़ सके द लॉ ऑफ डिमांड एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक्स एंड लीड्स टू ब्रॉड कंक्लूजन्स

ऑप्शन इज़ वेरी गुड सब्सिट्यूट्स यानी दो चीज़ें अगर एक दूसरे का परफेक्ट सब्सिट्यूट्स हूँ तो उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी इन द केस ऑफ़ एन इन्फीरियर कमोडिटी द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ नेगेटिव क्योंकि आमदनी बढ़ने से इन्फीरियर चीज़ें कम खरीदी जाती हैं और आमदनी कम होने से ये ज़्यादा खरीदी जाती हैं इन द केस ऑफ अ सुपीरियर कमोडिटी द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए पॉजिटिव क्योंकि आमदनी बढ़ने से सुपीरियर चीज़ों की तलब में इजाफा हो जाता है और आमदनी कम होने से सुपीरियर चीज़ों की तलब में कमी आ जाती है केस द टू कमोडिटीज़ आर गुड सब्स्यूट्स क्रॉस विल बी द करेक्ट ऑप्शन इज़ पॉजिटिव क्योंकि चीज़ें अगर एक दूसरे का परफेक्ट सब्सिटूट्स हों और ए चीज़ की कीमत में इजाफ़े से बी चीज़ की तलब में इजाफा हो जाता है और ए चीज़ की कीमत में कमी से बी चीज़ की तलब में कमी आ जाती है इन केस द टू कॉमोडिटीज़ आर कॉम्प्लीमेंट्स क्रॉस इलास्िसिटी विल बी एन द करेक्ट ऑप्शन इज़ नेगेटिव क्योंकि ए और बी अगर एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्स हैं तो ए की कीमत में इजाफे से बी की तलब में कमी आ जाएगी और ए अगर सस्ती हो जाएगी तो बी की तलब बढ़ जाएगी इफ़ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ वन कॉमोडिटी फॉर अनादर टर्नस आउट टू बी जीरो इट मीनस दे आर इन द करेक्ट ऑप्शन इज़ कम्प्लीटली अन रिलेटेड यानी एक चीज़ की दूसरी शाय के लिए अगर क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो होती है तो इसका मतलब यह है कि उन दोनों के माबैन कोई ताल्लुक नहीं है इफ़ एज रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन प्राइस टोटल आउटलेन कमोडिटी डिक्रीजेस इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एंड द करेक्ट ऑप्शन इज रेलिटिवलीस्टिक यानी किसी चीज़ की कीमत में कमी से उस पर होने वाले अखराज कम हो जाते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा लचकदार तलब रखती है When with a change in price, the total outlay एन a commodity remains constant, it's a case of and the correct ऑप्शन इज यूनिट इलास्टिसिटी यानी जब चीज़ की कीमत में तब्दीली से उस पर होने वाले कुल अखराजा में कोई तब्दीली ना आए इट मीन्स इलास्टिसिटी इज़ इक्वल टू वन

एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ रेलेट इन इलास्टिसिटी यानी जब किसी चीज़ की कीमत में कमी से उस पर होने वाले अखराजात कम हो जाएँ तो इसका मतलब यह है कि वो चीज़ कम इलास्टिक इन इलास्टिक डिमांड रखती है इलास्टिसिटी ई एक्सप्रेस बाय द फार्मूला इज ग्रेटर दैन वन इज़ एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ रैलीटिवली इलास्टिक यानी जब इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन वन हो तो इसका मतलब यह है कि वो चीज़ ज़्यादा लचकदार या रैलेटिवली इलास्टिक डिमांड रखती है इलास्टिसिटी ई एक्सप्रेस बा द फार्मूला वन इज ग्रेटर दैन ई एन ई इज ग्रेटर देन जीरो इज एन द करेक्ट ऑप्शन इज रेलेटिवली इन इलास्टिसिटी यानी जब इलास्टिसिटी वन से कम और जीरो से ज्यादा हो तो वो चीज़ कम इलास्टिक डिमांड रखती है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट

यानी जब दो चीज़ें एक दूसरे का मतबादल तो होती हैं तो एक चीज़ की कीमत में इजाफे से दूसरी की तलब में इजाफा हो जाता है सेट्रस चेंज इन द प्राइस ऑफ अमोडि काज इज द क्वान्टी परचेज ऑफ इट्स कॉम्पलीमेंट्स टू तो मूव इन द करक्ट ऑप्शन इज़ इन द अपोजिट डायरेक्शन यानी जब दो चीज़ें एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्स हों तो एक की कीमत में इजाफे से दूसरे की तलब में कमी आ जाती है और कीमत और तलब में ये तब्दीली अपोज़ट डायरेक्शन में आती है अ कमोडिटी हैंग नंबर ऑफ़ यूजर्स विल फेस अ डिमांड विच इज़ एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ इलास्टिक यानी एक चीज़ जिसके कई यूजर्स हूँ उसकी डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होती है अ कमोडि हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ़ क्लोज सब्सट्यूट विल फेस अ डिमांड विच इज़ एंड करेक्ट ऑप्शन इज इलास्टिक यानी एक चीज़ जिसके बहुत सारे सब्सट्यूट्स अवेलेबल हूँ उसकी डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होती है द ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अमोडिटी एंड द करेक्ट ऑप्शन इज द ग्रेटर इट्ज इलास्टिस इज लाइकली टू बी यानी किसी चीज़ पर आमदनी की जितनी ज़्यादा परसेंटेज खर्च की जाती है उसकी तलब उतनी ज़्यादा लचकदार होती है इन द लॉन्गर पीरियड परमिटिंग एडजस्टमेंट डिमांड इज़ लाइकली टू बी एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ इलास्टिक यानी जिस चीज़ की कंजम्पन को फ्यूचर के लिए पोस्टपोन किया जा सके उसकी डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होती है एट हाई प्राइसिस डिमांड इज लाइकली टू बी इन द करेक्ट ऑप्शन इज मोर इलास्टिक यानी महंगी कीमतों पर डिमांड ज्यादा इलास्टिक होती है एट लो प्राइसिस डिमांड इज लाइकली टू बी इन द करेक्ट ऑप्शन इज लेस इलास्टिक यानी लो प्राइसिस पर डिमांड कम लचकदार होती है इफ़ यू अस्यूम दट प्राइस डिक्रीज एंड टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज वी में कंक्लूड दट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एन द करेक्ट ऑप्शन इज ग्रेटर दैन वन यानी कीमत गिरने से अगर चीज पर होने वाले अखराज में इजाफा हो जाए तो इसका मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से ज़्यादा है अ स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्प्लाइज दैट एज प्राइस फॉल्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द करक्ट ऑप्शन इज डिक्रीज एक स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व जब कीमत में कमी आती है तो डिमांड की इलास्टिसिटी में भी कमी आती है टू कम्यंडर टू बी परफेक्ट सब्स्यूट फॉर इफ़ द द करेक्ट ऑप्शन इज़ इन्फिनट यानी जब दो चीज़ों के माबैन तबादले की लचक ला हो तो वो दोनों चीज़ें एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्यूट होती हैं वन कॉमन डेफिनेशन ऑफ अगजरी गुड इज़ अड विद एन इनकम इलासिस करेक्ट ऑप्शन इज ग्रेटर दैन वन जब किसी चीज़ की इनकम अलासिटी एक से ज़्यादा हो तो वह चीज़ लगजरी गुड कहलाती है

दी डिमांड्स कैजुअल कमोडिटी एक्स शोज द रिले द कोटिटी ऑफ एक्स एंड द करेक्ट ऑप्शन डिमांडेड एंड द प्राइज क्वानिटी डिमांडेड गोज अपॉल इन द प्राइस इट्स अ केस ऑफ द करेक्ट ऑप्शन यानी जब एक्स की कीमत में कमी से उसकी तलब में इजाफा हो जाए तो ये रुझान एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहलाता है

एक्सटेंशन एंड कंट्रेक्शन ऑफ डिमांड रिजल्ट फ्रॉम एंड द करेक्ट ऑप्शन इज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी यानी चीज़ की अपनी कीमत में कमी के नतीजे में तलब में होने वाली कमी या इजाफे को एक्सटेंशन एंड कंट्रेक्शन ऑफ डिमांड कहा जाता है इफ़ एट द अनचेंज प्राइज द डिमांड फॉर कमोडिटी गोज़ अपर द कोांटिटी डिमांडेड रिमेंज द सेम वैन इट्स प्राइस गोज़ अप इट्स कॉल्ड एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ इंक्रीज डिमांड यानी नहीं किसी चीज़ की अपनी कीमत में कोई तब्दीली ना आए बल्कि दीगर अमामल में तब्दीली की वजह से उसकी तलब में इजाफा हो जाए या कीमत बढ़ने के बावजूद तलब सेम रहे तो इसे इंक्रीज इन डिमांड कहा जाता है इफ़ लेस इज़ डिमांडेड एट द सेम प्राइस और सेम क्वांटिटी डिमांडेड एट ए लोअर प्राइस इट इज़ ए केस ऑफ़ एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डिक्रीज इन डिमांड यानी जब सेम प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाए या लोअर प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड सेम रहे तो इस रुझान को डिक्रीज इन डिमांड कहा जाता है एन एक्सेप्शनल डिमांड कर्व इज एन द करेक्ट ऑप्शन इज अपवर्ड स्लोपिंग ऐसी एशिया की सूरत में इनकी कीमत अगर बढ़ जाए तो इनकी तलब में इजाफा हो जाता है एंड वाइस वर्षा वेन एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऑफ ऑल इन द प्राइस विलीड टू एन द करेक्ट ऑप्शन इज रन डिमांड फॉर वाई यानी जब एक्स की कीमत में कमी होगी तो वाई की डिमांड में इजाफा हो जाएगा। When X and Y are complementary goods, a rise in price of X will lead to and the correct option is fall in demand for Y। यानी जब एक्स की कीमत में इजाफा होगा तो वाई की तलब में कमी आ जाएगी। If X and Y are close substitutes, a rise in the price of X will lead to and the correct option is increase in demand for Y। यानी जब एक्स और वाई क्लोज सब्स्यूट्स हूँ तो एक्स की कीमत में इजाफे से वाई की डिमांड में इजाफा हो जाएगा इफ़ एक्स एंड वाई आर क्लोज सब्स्यूट्स ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ एक्स विल लीड टू वन द करेक्ट ऑप्शन इज डिक्रीज इन डिमांड फॉर वाई यानी जब एक्स और वाई क्लोज सब्स्यूट्स हूँ तो एक्स की कीमत में कमी से वाई की डिमांड में कमी आ जाएगी इफ़ विद फॉल इन द प्राइस द कोांटिटी डिमांडेड चेंजेज इन सच अ मैनर दट दंजूमर एक्सपेंडिचर ऑन इट रिमेंस द सेम द डिमांड कर्व इन दिस केस विल बी एन द करक्ट ऑप्शन इज डाउन वर्ड स्लोपिंग यानी अगर एक्स की कीमत में कमी से तलब इस अंदाज से तब्दील होती है कि सार्फ के इस पर होने वाले अखराजात सेम रहते हैं तो ऐसे डिमांड कर्व को डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व कहा जाता है स्ट्रेट लाइन डिमांड एट द मिड पॉइंट इज एन द करेक्ट ऑप्शन इज इक्वल टू वन यानी एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व के मिड पॉइंट पे तलब की लचक इकाई के बराबर होती है एट द पॉइंट वेर स्ट्रेट लाइन डिमांड कर मीट दिलास्टिसमांड इज एन द करेक्ट ऑप्शन इज ईक्ल टू 0 यानी जब एक स्ट्रेट लाइन डिमांड करव एक्स एक्सेस को मीट करता है तो उस पॉइंट पर इलास्टिस सिफर के बराबर होती है

इंडन इकानमी बेस्ड ऑन द प्राइज सिस्टम द डिसीजन ऑन वट शेल बी प्रोड्यूसड इज मेड बाईन करेक्ट ऑप्शन कंज्यूमर यानी एक प्राइस सिस्टम पर बेस्ड इकानमी में कौन सी चीज़ें पैदा की जाएं इस बात का फ़ैसला सार्फीन यानी कंज्यूमर करते हैं द right individuals टू कंट्रोल प्रोडक्टिव resources इज़ known एज and द करेक्ट ऑप्शन इज प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी अफराद की तरफ से प्रोडक्टिव रिसोर्स पर कंट्रोल प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का हक हाँ कहलाता है द नीम ऑफ दिस्टम ऑफ डायरेक्ट एक्सचेंज इज़ एन द करेक्ट ऑप्शन इज बाटर सिस्टम यानी डायरेक्ट एक्सचेंज बराह रास्त तबादले के निज़ाम को बाटर सिस्टम कहा जाता है द स्पेंडिंग ऑफ मनी बाई द प्रोड्यूसर टू इन्फ्लुएंस कंज्यूमर्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डिमांड क्रिएशन यानी कंज्यूमर्स को इन्फ्लुंस करने के लिए प्रोड्यूसर की तरफ से पैसे खर्च करना डिमांड क्रिएशन कहलाता है द अफेक्ट ऑन द डिमांड फॉर प्रोडक्ट एक्स कॉस्ड बाई अ चेंज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाई इज़ कॉल्ड एन द करक्ट ऑप्शन इज क्रॉस ऑफ डिमांड यानी प्रोडक्ट वाई की कीमत में तब्दीली के नतीजे में प्रोडक्ट एक्स की तलब पर होने वाले असर को क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है द रियल इनकम ऑफ अउस होल्ड इज इनकम इन एंड द करेक्ट ऑप्शन इज गुड्स एंड यानी गुड्स एंड सर्विसेज की सूरत में होने वाली आमदनी को एक घराने की हकीकी आमदनी कहा जाता है द प्रिंसिपल ऑफ कंजम्शन इज़ रिप्रजेंटेड बाई एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डिमनिशिंग मार्जिनल यूटिलटी यानी डिमनिशिंग मार्जिनल यूटिलटी के लॉ से ही किसी मुल्क में किसी माशरे में कंजम्पन के असूल का पता चलता है यूटिलिटी इज़ ए फंक्शन ऑफ एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ क्वान्टी यानी क्वान्टी में इजाफे से यूटिलटी में कमी आ जाती है और क्वान्टी में कमी से यूटिलिटी में इजाफा हो जाता है द टोटल यूटिलिटी इज गेंड बाई कंज्यूम करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑल दूनिट्स ऑफ अ गुड इन्हें एक चीज़ के तमाम यूनिट कंज्यूम करने से जो अफादा हो वह टोटल यूटिलिटी कहलाता है वैन टोटलिटी मैक्मम मार्जिनलिटी एंड द करक्ट ऑप्शन ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी करेक्ट ऑप्शन इज स्लो ऑफ टोटलिटी करव यानी टोटल यूटिलिटी कर्व का स्लोप ही मार्जिनल यूटिलिटी होता है मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू एवरेज यूटिलिटी वन एवरेज यूटिलिटी इज़ एंड द करेक्ट ऑप्शन इज पॉजिटिव यानी जब एवरेज यूटिलिटी पॉजिटिव हो तो वो मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होती है एन इंक्रीज इन इनकम शिफ्ट मार्जिनल यूटिलिटी कर्व एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ टू द लेफ्ट यानी आमदनी में इजाफे से मार्जिनल यूटिलिटी करव लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है Microeconomics is concerned with product markets, factor markets, supply and demand, and the correct option is A, B, and C. Yani, These are topics microeconomics related. Hain. Quantity demanded or supplied is measured in, and the correct option is physical units. Price is measured in, and the correct option is monetary units. A demand schedule consists of, and the correct option is quantities. अ प्राइस इज रेशो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन एंड द करेक्ट ऑप्शन इज मनी एंड क्वांटिटी यानी मनी एंड क्वांटिटी के दरमियान एक्सचेंज रेशो को कीमत कहते हैं द बेसिक फंक्शन ऑफ अ प्राइस इन मार्केट इकॉनॉमी इज टू एंड द करेक्ट ऑप्शन इज अलोकेट रिसोर्स यानी एक मार्केट इकोनॉमी में प्राइस का बेसिक फंक्शन रिसोर्स अलोकेशन है अ मूवमेंट एलॉन्ग अ डिमांड कर्व इज एन द करेक्ट ऑप्शन इज़ आ राइज इन डिमांड यानी किसी चीज़ की अपनी कीमत में कमी से उसकी तलब में होने वाले इजाफे को डिमांड कर्व के साथ हरकत कहा जाता है द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउन ड्यू टू एन द करेक्ट ऑप्शन इज सबूशन अफेक्ट क्योंकि एक चीज़ के महंगे होने पर लोग उसके मुतबादल पर अखराज बढ़ा देते हैं इसलिए डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है द इनकम अफेक्ट मीन्स दैट कंज्यूमर परचेज़ मोर वेन एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ प्राइस फॉल्स यानी जब कीमत गिरती है तो ट्रू सेंस में सारेफ की आमदनी में इजाफा हो जाता है और वह शाय की ज्यादा मिकदार खरीद करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ क्वान्टिटी टू प्राइज यानी कीमत में तब्दीली के नतीजे में तलब में होने वाली तब्दीली की शरह को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है अ लीनियर डिमांड करव हैज़ आन द करेक्ट ऑप्शन इज़ वेरिंग अलास्टिसिटी थ्रू आउट एक लीनियर डिमांड कर्व के हर पॉइंट पर अलास्टिसिटी मुख्तलिफ होती है डे स्टूडेंट्स उम्मीद है आज की डिस्कशन में शामिल अहम तरीन एम सी क्यूज़ आपको काफ़ी हद तक समझ आ गए होंगे इस हवाले से आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में सवाल करें आपको जवाब ज़रूर मिलेगा अभी भी जिन कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स ने इकनॉमिक्स टी वी के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब करके बेल आईकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आंदा दिनों में आने वाली अहम तरीन वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको फ़ौर मौसू हो सकें अपना ख्याल रखिएगा मिलते हैं नए लेक्चर के साथ अल्लाह अल्लाम नासर